हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल लिविंग वाइज थिंकिंग। और आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ इंडियन स्पेशल गेस्ट डिनर मेनू शेयर करूंगी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अगर गेस्ट भी नहीं है घर पे तो आप कभी खुद बना के भी खा सकते हैं। और ये मेन्यू जो मैंने सेट किया है वो मेन्यू डिनर या लंच दोनों के लिए ही परफेक्ट है। और मैंने ये देखा है ताकि ये मेन्यू समर के लिए अच्छा हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट है प्री प्रिपरेशन। सो हम लोग कुछ प्रिपरेशन कर लेंगे। सो पहले मैं एक स्मूदी नहीं तो सॉर्बेट बोल सकते हैं बना रही हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर लिया है। आई हैव टेकन अराउंड हाफ क्यूकम्बर और मैंने सारे सीड्स निकाल दिया है क्यूकम्बर से। और ये लाइक दिस मेन्यू इज परफेक्ट फॉर 2 to 3 पीपल। सो आप अपने आइडिया से इसका इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। सो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 cup कोकोनट मिल्क। और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूंगी 2 cup कोकोनट वाटर। अभी मैं इसमें शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये कोकोनट वाटर थोड़ा स्वीट है। पर अगर कोकोनट वाटर स्वीट नहीं है तो आप थोड़ा शुगर ऐड कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग स्मूदी है स्पेशली फॉर समर डेज। एंड फर्स्ट व्हेन द गेस्ट कम आप ये ड्रिंक सर्व कर सकते हैं। तो अभी मैं इस ड्रिंक को लाइक हम लोग थोड़ा पहले बना लेंगे ताकि हम लोग इसको फ्रिज में थोड़ा चिल होने के लिए रख दें। और उसके ऊपर में इफ़ यू वांट टू डेकोरेट यू कैन ऐड सम मिंट लीफ। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने को। सो यू कैन सर्व दिस ड्रिंक एज देयर वेलकम ड्रिंक एंड ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। सो अभी नेक्स्ट में कॉइन पराठा बनाऊंगी। सो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 cup आटा ले रही हूँ और उसमें मैं 1 cup मैदा ऐड कर रही हूँ। ऐसा तो कॉइन पराठा हर वक्त मैदा से बनता है बट आई वॉन्ट टू मेक इट लिटिल बिट हेल्दी। सो उसमें मैं फिर बहुत ही कम थोड़ा शुगर ऐड कर रही हूँ और फिर मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड करूंगी और फिर थोड़ा ऑयल भी मैं ऐड करूंगी इसमें। ज्यादा नहीं, वेरी लिटिल बिट ऑफ ऑयल। और फिर मैं इसमें ट्विस्ट देने के लिए थोड़ा अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अजवाइन ऐसे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। और ट्रस्ट मी कॉइन पराठा में अजवाइन देने से बहुत ही अच्छा लगता है। एंड देन आई एम मेकिंग द डो विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर। और फाइनली मेरा डो टोटली रेडी है। और मैं लास्ट में आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल और फिर अभी मैं इसको कवर करके रख दूंगी। और ये जब भी आप कॉइन पराठा बनाए तो एटलीस्ट 1/2 hour बिफोर आपको डो बना लेना है। तो मैं एक अचारी पनीर बनाऊंगी। उसके लिए मुझे पनीर को मैरिनेट करना है। So for that I have added 1/4 teaspoon of ginger garlic paste और फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon of अचार मसाला। अभी ये अचार मसाला ऑलरेडी मेरे पास घर पे है। सो ये अचार मसाला ऑलरेडी मैंने लाइक ग्राइंड करके रख दिया था। सो अभी मैं इसमें बहुत ही थोड़ा ऑयल ऐड कर रही हूँ। और ये अगर आप चाहे देन यू कैन हैव इट एज ए स्टार्टर भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप मेन कोर्स में भी खा सकते हैं। सो अभी मैं इसमें 1 tablespoon बेसन ऐड कर रही हूँ ताकि जो बेसन है इट विल क्रिएट एज ए बाइंडिंग इफेक्ट और वो जो अचार मसाला है वो अच्छी तरह से पनीर पे लग जाएगा। सो वी विल कीप इट मैरिनेट फॉर 1/2 hour। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइटम। सो मैं आज एक चिकन का आइटम बना रही हूँ और इसको मिंट और कोरिएंडर चिकन बोलते हैं तो समर के लिए परफेक्ट है क्योंकि मिंट समर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसका रेशियो बहुत इजी है। आपको इक्वल अमाउंट ऑफ पुदीना का पत्ता और इक्वल अमाउंट ऑफ धनिया पत्ता लेना है। एंड इन दैट आई एम एडिंग 1/4 cup ऑफ योगर्ट और फिर आपको एक पेस्ट बनाना है। और मैंने इसमें 5 green chilies ऐड किया है। सो हियर आई हैव अराउंड 1/2 kg चिकन। सो फर्स्ट मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करूंगी
और फिर मैं इसमें पेस्ट ऐड कर दूंगी. लेट द चिकन बी मैरिनेटेड फॉर अराउंड हाफ एन आवर, यानी आधा घंटा के लिए. तो चलिए अब डेजर्ट बना लेते हैं. तो समर है तो बहुत ही मैं इजी डेजर्ट बनाऊंगी. तो आज मैं डेजर्ट के लिए फ्रूट सलाद बनाऊंगी. सो यहाँ पे मैं क्रीम ले रही हूँ, और क्रीम आप अकॉर्डिंग टू लाइक हाउ मेनी पीपल यू हैव यू कैन टेक. सो यहाँ पे उसमें मैं फ्रूट्स ऐड करूंगी. सो यहाँ पे मेरे पास थोड़े चॉप्ड एप्पल, थोड़े चॉप्ड स्ट्रॉबेरी, थोड़ा चॉप्ड बनाना, और मैंने थोड़ा ग्रेप्स को चॉप कर लिया है. और जब भी आप फ्रूट सलाद बनाए, मेक इट ए पॉइंट कि आपको बनाना ऐड करना ही है, क्योंकि बनाना ऐड नहीं करेंगे तो फ्रूट सलाद में लाइक वो टेस्ट ही नहीं आता है. तो मैंने सब फ्रूट्स ऐड कर लिया है. अभी मैं इसमें थोड़ा शुगर ऐड कर रही हूँ. फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. और जब भी आप फ्रूट सलाद बनाए, आप एटलीस्ट 1 आवर से पहले बना लीजिए. लाइक फ्रूट सलाद आप जितना जल्दी बनाएंगे और जितना देर से खाएंगे, उसका टेस्ट उतना ही अच्छा होता है. पर बनाने के बाद इमीडिएटली यू हैव टू कीप इट इन द फ्रिज. तो अगर आप जल्दी में है तो एटलीस्ट मेक इट 1 आवर बिफोर. और ये हम लोगों का टेस्टी फ्रूट सलाद रेडी है, जो बहुत ही लाइट भी है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है. तो हम लोग का डेजर्ट भी रेडी है, और हम लोगों ने जो मैरिनेट करना था वो सब करके रख दिया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन. तो फर्स्ट मैं एक ढाबा स्टाइल तुअर दाल बनाऊंगी या अरहर दाल बनाऊंगी. उसके लिए एक पैन पे मैं अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा बटर ऐड कर रही हूँ. पर ये हम लोगों को लाइक मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है, अदरवाइज द बटर माइट गेट बर्न. और उसमें मैं अभी थोड़ा क्रश जिंजर ऐड कर रही हूँ. एंड देन हम लोग मिक्स कर लेंगे. एंड नाउ आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिलीज. और फिर मैं अभी इसमें थोड़ा चॉप्ड अनियन ऐड करूंगी. और फिर मैं अभी इसमें थोड़ा चॉप्ड टमेटो ऐड कर रही हूँ. अराउंड 1 चॉप्ड अनियन एंड 1 चॉप्ड टमेटो. मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी. टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, फिर मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड करूंगी. और ये सब मैं जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ. और फिर मैं इसमें 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ. और अभी मैं इसमें 1/4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ. और अभी हम लोग ये सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. सॉल्ट टू टेस्ट. और फिर हम लोग थोड़ा कवर करके रख देंगे. और अभी टमेटोज और अनियन सभी सॉफ्ट हो गए हैं. तो अभी मैं इसमें तुअर दाल, बॉयल तुअर दाल ऐड कर रही हूँ. अगर आप चाहे तो पहले से ही तुअर दाल बॉयल करके रख सकते हैं. जस्ट प्लेन लाइक कुछ मत दीजिए उसमें. फिर मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ. और फिर हम लोग इसको कुक करने देंगे अराउंड 10 मिनट्स. लिटिल बिट ऑफ शुगर. सो मेरा अभी ढाबा स्टाइल दाल पूरा रेडी है. सो मैं इसमें थोड़ा लाइम ऐड कर रही हूँ, नींबू. एंड देन मैं अभी इसमें थोड़ा कसूरी मेथी लाइक पाउडर कसूरी मेथी और थोड़ा कोरिएंडर लीव्स ऐड करूंगी. और हम लोगों का दाल रेडी है. और मैं लास्ट में थोड़ा बटर ऐड कर रही हूँ. ऐसा तो अगर आप चाहे देन यू कैन ऐड ए लॉट ऑफ बटर, पर मैंने इसको थोड़ा हेल्दी रखा है, सो आई हैव एडेड वेरी लेस बटर. और ये मेरा दाल रेडी है. तो चलिए अभी अचारी पनीर बना लेते हैं. उसके लिए मैंने पैन में थोड़ा ऑयल लिया है. और अभी मैं इसको पनीर को लाइक हल्का से शैलो फ्राई करूंगी. ज्यादा हम लोगों को फ्राई नहीं करना है. लाइक पनीर जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तभी हम लोग निकाल लेंगे.
और अगर आप चाहे तो दिस वे ओनली यू कैन सर्व इट एज ए एपेटाइजर. बहुत टेस्टी लगता है खाने को. तो मैं अभी इसमें वो सेम ऑयल में आई एम एडिंग सम क्यूब्ड अनियंस एंड क्यूब्ड बेल पेपर एंड सम ग्रीन चिलीज. लिटिल बिट सॉल्ट टू टेस्ट. और अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ. अराउंड हाफ टी स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि वो जो कच्चा स्मेल है जिंजर गार्लिक का वो चला जाए. और ये हम लोग मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं. सो अभी मैं इसमें अराउंड हाफ टेबल स्पून अचार मसाला ऐड कर रही हूँ. हम लोग को ज्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि पनीर पे ऑलरेडी अचार मसाला है. और अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे. उसके बाद जो पनीर के पीसेस है हम लोग सब इसमें ऐड कर लेंगे. और ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है. और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा कोरिएंडर लीव्स दूंगी. और इफ यू वांट यू कैन ऐड डेफिनेटली मोर ग्रीन चिलीज टू इट. और ये हम लोगों का अचारी पनीर रेडी है. तो चलिए अभी चिकन बना लेते हैं. सो उसके लिए जब मेरा ऑयल हॉट है देन आई हैव एडेड सम चॉप्ड फाइनली चॉप्ड अनियंस एंड सम ग्रीन चिलीज. एंड फिर मैं उसमें अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ. और ये हम लोग मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे. एंड लिटिल बिट सॉल्ट टू टेस्ट. अगर आप चाहे डेफिनेटली यू कैन ऐड मोर ग्रीन चिलीज. एंड नाउ आई एम एडिंग द मैरिनेटेड चिकन इन इट. और मैं इसमें रेड चिली पाउडर टर्मरिक पाउडर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज अदरवाइज वो ग्रीन जो कलर है वो चला जाएगा. और अभी हम लोग इसको अराउंड 10 मिनट्स तक कवर करके रख देंगे. तो चिकन तो बहुत ही जल्दी हो जाता है. फिर हम लोग थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे. और फिर हम लोग कवर करके रख देंगे फॉर अनदर 5 मिनट्स. और मुझे लगता है मेरा चिकन रेडी है. हाँ आप देख सकते हैं कि परफेक्टली रेडी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में. और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है स्पेशली द कॉम्बिनेशन ऑफ मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स. तो ये मेरा चिकन रेडी है. तो चलिए आप थोड़ा फ्राइड राइस बना लेते हैं. उसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा ऑयल दिया था एंड देन आई हैव एडेड जस्ट पीस एंड कैरेट. और मैं इसमें बहुत ही कम अराउंड 1/4 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ. और 1/2 टेबल स्पून ऑफ घी. और फिर मैं इसको कवर करके रख दूंगी जस्ट फॉर 5 मिनट्स. और उसके बाद मैं अभी राइस ऐड कर रही हूँ. तो ये राइस मैंने पहले ही बना दिया था. जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें उसी टाइम पे राइस बना लीजिए. और फिर मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला और फिर सॉल्ट टू टेस्ट. और अगर आप चाहे तो थोड़ा शुगर भी ऐड कर सकते हैं. और ये थोड़ा कैशू नट है. ये भी मैंने पहले से फ्राई करके रख दिया था. तो हम लोगों का फ्राइड राइस भी रेडी है. देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में. एंड द राइस आर पफी और खिला खिला जो बोलते हैं ऐसा हुआ है ये फ्राइड राइस. तो चलिए अभी कॉइन पराठा बनाते हैं. तो पहले हम अच्छी तरह से इसको रोल कर लेंगे. और हम लोग इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे. तो अभी मैं इसमें थोड़ा घी अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ. अगर आप चाहे तो ऑयल भी स्प्रेड कर सकते हैं. और उसके बाद मैं इसके ऊपर में थोड़ा मैदा स्प्रेड कर रही हूँ. ज्यादा नहीं थोड़ा हम लोग को देना है.
और अभी हम लोग इसको धीरे धीरे फोल्ड करेंगे. अभी हाउ टू डिस्क्राइब यू, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हम लोग साड़ी का जब जैसे प्लेट बनाते हैं उस तरह से हम लोग को बनाना है. एंड देन वी विल स्ट्रेच इट लाइक, आप थोड़ा स्ट्रेच कीजिएगा, देन यू विल सी कि ये लंबा हो रहा है. तो हम लोग को ऐसे हाथ से इसको थोड़ा स्ट्रेच करना है क्योंकि इसमें मैदा है तो ये थोड़ा लंबा होता जाएगा. फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे और अभी मैं इसको रोल कर लूंगी. तो ये हम लोग का कॉइन पराठा रेडी है और इसको हम लोगों को मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे बनाना है. और मैंने इसमें बहुत ही लेस ऑयल यूज किया है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव एडेड घी, तो ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है. और आप देख सकते हैं ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड टू ओपन. तो वही एक बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है कि आप जब घी दे उसके बाद आपको उसमें मैदा देना है. और देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरा कॉइन पराठा रेडी है. सो ये है मेरा फाइनल गेस्ट का डिनर मेन्यू. अगर गेस्ट भी नहीं आ रहे तो कभी आप लोग खुद ही बना के खा सकते हैं, यू नो घर के लिए भी अच्छा लगता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब भी आप ऐसा कुछ स्पेशल डिनर के बारे में सोचे तो डेफिनेटली लाइट अप ए कैंडल इन डाइनिंग रूम. उससे बहुत ही एक अच्छा एटमोसफेयर क्रिएट होता है. सो अगर आपको मेरा ये स्पेशल डिनर मेन्यू पसंद आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा. और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, बाय.